माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हो गए हैं। आके पहली नज़र में बहुत गिड़गिड़ा के रोए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और साथ में तौबा की और बहुत रोए। अब अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ शुरू करने लगे हैं और सब हजाज कराम जो हैं वो मेरे साथ हैं इंशाल्लाह अज़ीम। यहाँ पे तवाफ जारी और सारी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुबहाना व ताला हमारा उम्रा कबूल करे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काबा के गिर्द 7 चक्कर लगा लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी चक्कर वाला साहब को कंधों पे बिठा के लगाया है। मैं अल्लाह ताला का किस तरह शुक्र अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। या अल्लाह पाक मेरे वालदैन पे उस तरह रहम फरमाना जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला। या अल्लाह पाक तमाम जितने भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं सबके वालदैन पे उस तरह रहम फरमाना जिस तरह उनके वालदैन ने उनको बचपन में पाला। या अल्लाह पाक रहम करना, या अल्लाह पाक रहम करना, या रब्बुल आलमीन रहम फरमाना, रहम फरमाना, या अल्लाह पाक रहम करना, या अल्लाह पाक तमाम नेक हजात को पूरा करना। कितने भी हजाज कराम यहाँ पे मौजूद हैं या अल्लाह पाक सब की हाजिरी कबूल मंजूर अता फरमाना और या अल्लाह पाक सबको माफ़ कर देना। या अल्लाह पाक मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमसाए राहगीर मुसाफिर मेरे उस्तादजा मुझसे जुड़े हुए मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं भूल गया हूँ जाने अनजाने में, या अल्लाह पाक उन पर भी रहम फरमाना। दुनिया में भी दर्जात बुलंद करना और आखिरत में भी दर्जात बुलंद करना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ कंप्लीट कर लिया है, अब सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। तमाम हजाज करीम तमाम सारे साथ हैं तो सही करने के लिए अब हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जाना तो खोले नहीं। माशाल्लाह जमजम पीने लगे हैं, यहाँ पे जगह जगह पे जमजम के कूलर मौजूद हैं तो तमाम हजाज करीम जितने भी हैं वो सब जमजम पी के आगे चले गए हैं, हम भी पीने लगे हैं माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस पानी को इतना बरकत वाला बनाया है कि ये भूखे की भूख मिटाता है और प्यासे की प्यास बुझाता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये हम सफ़ा मरवा स्टार्ट करने लगे हैं तो यहाँ से सफ़ा का शुरू होता है, सामने सफ़ा की पहाड़ी भी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से सफ़ा शुरू होता है, अरबी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। वो सामने काबा मुबारक है, वहाँ से ये सफ़ा की पहाड़ी है और यहाँ पे जब सफ़ा मरवा हम कर चुकेंगे तो यहाँ पे इस पहाड़ी पे खड़े होकर हम दुआ शरीफ करेंगे। तो ये वाला साहब चाचू मेहंदी बाकी भाई भी सब साथ ही हैं। यहाँ से हम उस तरफ जाएंगे मरवा की पहाड़ी की तरफ, मरवा की पहाड़ी से वापस हम सफ़ा की पहाड़ी की तरफ आएंगे। तो ये सामने ये सफ़ा की पहाड़ी है, ये अब ग्रीन लाइट आ गई है जहाँ पे हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ से दौड़कर पानी की तलाश में पहाड़ियों के आगे जाती थी तो फिर दौड़कर वापस आती थी। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे उन्होंने ग्रीन लाइट लगाकर एक निशानी लगाई हुई है, ये आप देखें ये ग्रीन लाइट की एक निशानी है।
तो यहाँ से हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में दौड़ती थी और पहाड़ियों के गिर्द चक्कर लगाती थी। यहाँ से दौड़कर ही जाना होता है। यहाँ पे तमाम हजाज करीम जो है वो जमजम पीने लगे हैं, सफा मरवा पे सही कर रहे थे तो थक गए थोड़ा सा, तो उस वजह से जो है ना यहाँ पे अब जमजम पीने लगे। ये रास्ता व्हीलचेयर वालों के लिए बनाया हुआ है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी व्हीलचेयर वाले, उस तरफ भी व्हीलचेयर वाले आने जाने वाले, वहाँ से सफा की तरफ, यहाँ से मरवा की तरफ। इसी तरह व्हीलचेयर वालों के लिए भी ऐसे ही है। कुछ खवातीन भी यहाँ पे ही जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रश कम है, यहाँ पे ज़रा रश ज़्यादा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की अदायगी मुकम्मल कर ली है, सिर्फ बाल मुंडवाने वाले रह गए हैं, नवाफिल अदा कर ली है। अब्बा जी नवाफिल अदा कर रहे हैं, बाकी हजाज कराम नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ और अरब बार शुक्र अदा करता हूँ मैं। हम जो है वो पूरे सर के बाल कटवा रहे हैं बराबर के, क्योंकि पहले मैंने उम्रा किया हुआ है और मैंने जो है ना वो पूरे सर को मुंडवाया हुआ है 3 दफ़ा, तो इस बार जो है हम सिर्फ बाल कटवा रहे हैं। और इनको पता होता है ये जो यहाँ पे बार्बर हैं जितने भी कि कितने बाल काटे जाते हैं, तो वो उस हिसाब से पूरे सर के बाल काट रहे हैं। चलो शादी हो, सब भाजियों ने कटिंग भी करा ली है और सर भी मंडवा लिया है। जिन्होंने सर मंडवाना था उन्होंने सर मंडवा लिया और जिन्होंने कटिंग करवानी थी उन्होंने कटिंग करवा लिया। माशाल्लाह सारा काफिला बड़ा ही प्यारा लग रहा है। उम्रा की अदायगी के बाद सब हजाज कराम जो है ना वो भाई नवीद के रेस्टोरेंट पे आए हैं, सरगोदा रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे मेरे कज़न हैं, बड़े भाई हैं, इनके रेस्टोरेंट पे, सरगोदा रेस्टोरेंट है मक्का में, तो यहाँ पे बैठ के जो है वो हम सारे खाना खा रहे हैं। ये मैं सब हाजियों को मिलवा भी देता हूँ। बाबा जी भाई नवीद और साथ भी नवीद भाई ही बैठे हुए हैं, भाई सकलैन, बाकी भाई भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे चाचू मेहंदी भी हैं, भाई अदनान भी हैं। ये था आज का उम्रा की अदायगी का व्लॉग, तो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।